क्वेश्चन नंबर 34, एन इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन वाई जेड प्लेन एट जेड इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू। ये वाला जो वायर बना हुआ है, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन चार्ज, ठीक है ना, और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। जेड एक्सिस को ये कट करता हुआ जा रहा है, ये हाइट दी हुई है और ये वाई जेड प्लेन में है, ठीक है ना। मतलब अगर ये वाई जेड प्लेन हमारा प्लेन ऑफ पेपर है तो इसी प्लेन में है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सर्फेस ए बी सी डी, अब ये जरा ध्यान से देखना, ये जो सर्फेस ए बी सी डी है, इस सर्फेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट करना है हमको अल्टीमेटली, इस एन की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा ध्यान से इसमें एक बात ये देखनी है कि अगर हम इस सर्फेस के मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करें, और या ऐसे समझो कि इसकी लेंथ जो दी हुई है ए दी हुई है और ये हाइट रूट थ्री ए बाई टू दी हुई है, तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को इधर से ऑब्जर्व करें, देखना ध्यान से, ठीक है, तो इधर से ऑब्जर्व करने पे हमको ये जो लाइन चार्ज है ये तो पॉइंट के फॉर्म में नजर आएगा, लेकिन ये जो सरफेस है, जो नीचे सरफेस दी हुई है, उस सरफेस को अगर आप देखो ध्यान से, ये लैम्डा है, ये पॉइंट हो गया लेट से ए बी और ये पॉइंट हो गया लेट से सी डी। अब ये डिस्टेंस ए है और ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है रूट थ्री ए बाई टू। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, देखो क्रॉस सेक्शन। तो अब इससे क्या फायदा है, तो इससे ये फायदा है कि अगर हम ये वायर को इसी तरह के छह सरफेसेस से कंप्लीट कर दें, देखना ध्यान से, इसी तरह के छह सरफेसेस से अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो ये एक इनक्लोज्ड डायग्राम बन जाएगा। मतलब ये वो वायर हो गया लैम्डा, ये एक सरफेस है जिसको हम ए बी और सी डी बोल रहे हैं, जो इसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो इस तरह के हमको छह सरफेसेस लगानी पड़ रही हैं। हालांकि इस सरफेस की जो विड्थ है इसको भी हमें थोड़ा थ्री डायमेंशनली दिखाना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि इसकी विड्थ है ना, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ दी हुई है एल के इक्वल, तो इसका चार्ज कितना इनक्लोज हो जाएगा, तो इसका चार्ज इनक्लोज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स होगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू ईच रेक्टेंगुलर सरफेस अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। तो ये जो सरफेस हमने बनाई है एक तरह से सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक सरफेस है ये। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि सारे पॉइंट्स पे सेम फ्लक्स होगा, लेकिन हाँ अगर हम इस तरह के छह सर्फेसेस बना रहे हैं तो क्योंकि ये डिस्टेंस रूट थ्री ए बाई टू दिया हुआ था तो इसका हम लोगों ने एक बेनिफिट किया है, बेनिफिट लिया है इसका। खैर क्वेश्चन बनाया भी इसी पर्पज से गया है, हमें इसमें इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने वाले ने ये चाहा है कि आप इतना सोचो कि हम इसको कवर कर रहे हैं और हर एक से लैम्डा अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स बनेगा।